दोस्तों लोग पैसा कमाने के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं? हमने सोचा नहीं था कि लोग पैसा कमाने के लिए इतने ज्यादा नीचे गिर जाएंगे। अपनी इंसानियत भूल गए हैं। मुझे लगता है कहीं इंसानियत ही उन्होंने बेच दी है। इस तरीके से वो लोग काम करते हैं, लोगों को इस तरीके से फ्रॉड करते हैं। सामने वाले का पता नहीं क्या हाल है, कैसा है, किस स्थिति में है, लेकिन उनको कुछ नहीं पता। सिर्फ उनको पैसा किसी न किसी तरीके से चाहिए। सामने वाला किस स्थिति में, उससे उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर आज मैं आपको बताऊंगा कि लड़के ही ऐसा काम नहीं करते, या जेंट्स ही ऐसा काम नहीं करते हैं कि उनको ही बदनाम होना पड़े। आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि एक लड़की ने मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश की है। जी हाँ दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने एक क्रेडिट कार्ड लिया था। तो उस क्रेडिट कार्ड को लेने के बाद 3 दिन के बाद मेरे पास एक फ्रॉड कॉल आया। और वो फ्रॉड कॉल कैसे आते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जब हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो जो हमको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं वो भी एक एजेंट होते हैं। उनको कमीशन मिलती है बैंक से कि आप जितना क्रेडिट कार्ड को प्रोवाइड कराओगे कस्टमर को, उतना ज़्यादा कमीशन आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों करते क्या हैं कुछ लोग, हमारी जो डिटेल होती है वो अपने दूसरे पर्सन को देते हैं जो कि वो मिले हुए रहते हैं। तो वो लोग उनसे डील करते हैं कि हमने इस बंदे को क्रेडिट कार्ड दिया है और इसके पास इतनी लिमिट का कार्ड है, और आप ये लीजिए इसकी पर्सनल डिटेल और इसको कॉल कीजिए और अपने तरीके से फ्रॉड करके इससे पैसे लीजिए। अगर काम सक्सेसफुल हुआ तो हम आपसे इतने परसेंट लेंगे इस पैसे का। तो इस तरीके से ये लोग डील करते हैं और हमारी पर्सनल डिटेल को दे देते हैं फ्रॉड बंदे के पास या जो भी लड़की के पास। तो इस तरीके से मेरी जो है पर्सनल डिटेल शेयर की गई और मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश की गई। लेकिन दोस्तों मैं समझ गया कि ये मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। स्टार्टिंग में मैं समझ गया उसके हेलो करने के बाद, जब उसने मेरे को बोला कि 10,000 रिवर्ड्स कॉइन आपको मिल रहे हैं, तो तभी मैंने सोचा कि बैंक तो कभी 1 रुपया फालतू नहीं देता, तो 10,000 रिवर्ड्स कॉइन्स कैसे देगा। साथ ही 1 रिवॉर्ड्स पॉइंट्स की वैल्यू 2 रुपये थी, तो टोटल हुई 20,000 रुपये। तो बैंक मेरे को 20,000 रुपये क्यों देगा? मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों ना इसको रिकॉर्ड करूं। रिकॉर्ड करने के बाद यूट्यूब पे डालूं, आप लोग को लगे, आप लोग को पता चले कि किस तरीके से लोग फ्रॉड करते हैं। तो मैंने उसकी पूरी डिटेल को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया है और उसका मैं नंबर भी आपको वीडियो में दिखाऊंगा, पूरा दिखाऊंगा, और आप लोग देखेंगे किस तरीके से ये लोग फ्रॉड करते हैं। पर्सनल डिटेल भी उन्होंने मांगी, मैंने उनको पर्सनल डिटेल भी दी, क्योंकि इनका लास्ट स्टेप जो होता है सक्सेसफुल होने का, वो होता है हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन OTP। मैं उसको वहीं पे ही रोक दिया कि भाई अब तू रुक जा, अब तेरे बस की कुछ नहीं है, यहाँ तक तूने कर ले, यहाँ से आगे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तो वीडियो में आप देखना साथ साथ कि किस तरीके से ये हुआ है। साथ ही दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, मैं हूँ आंसू और आप देख रहे हैं टैग की दुनिया, मिस्टर आंसू टैग। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में आ रही इस घंटी को दबा लेना, ताकि जब कभी हमारी ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप देखकर कुछ नया सीख सके। वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। मिस्टर आशु बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। सर मैं SBI बैंक हेड ऑफिस से बात कर रही हूँ। सर SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो ना सर आप? कार्ड को यूज करने में कोई प्रॉब्लम इशू तो नहीं आ रहा सर, लिमिट को लेकर या चार्जेस वगैरह को लेकर? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए सर मैंने इस रिगार्डिंग आपको कॉल की है। आपका जो क्रेडिट कार्ड है ना, उस पर हमारे बैंक साइड से आपको टोटल ना 10,000 के रिवॉर्ड पॉइंट दिए जा रहे हैं, जो आपके पेंडिंग में, वो हमें रिडीम करवाने हैं कार्ड पर आपके सर। ओके। ठीक है, तो सर देखिए इसमें आपके 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 2 रुपए है। इसमें आप ये ऐसे देखिए, आपको पेट्रोल पंप की फैसिलिटी दी जा रही है, जैसे कि आप ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी पेट्रोल डलवाएंगे, कोई GST कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपका नहीं लगेगा। ठीक है, बिग बाजार अमेजोन फ्लिपकार्ट पे 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। एंड देन सर बुक माई शो की ऐप, जैसे कि आप अपनी मूवी टिकट को बुक करवाएंगे, 4 मूवी टिकट बुक करवाएंगे, तो उसमें स्टार्टिंग में 1 मूवी टिकट आपको फ्री दी जाती है। ठीक है सर। तो सर देखिए इनकी वैलिडिटी आपकी 3 महीने की रहेगी। ठीक है, 3 महीने की वैलिडिटी रहेगी। 3 महीने में जैसे कि आप उनको यूज करेंगे, आपका कोई भी जब डेट नहीं होगा, ना कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा सर। ठीक है, तो सर ये जो रिवॉर्ड्स पॉइंट है आशु जी, इनको आप कैश में डिपॉजिट करके करवाना चाहेंगे या फिर आप बिलिंग में माइनस करवा दें आपके? तो आपकी तरफ से कौन सी फैसिलिटी है? क्या कह रहे हैं आप? आपकी तरफ से कौन सी फैसिलिटी है? सर देखिए हमारे में ये है कि अगर आप पॉइंट्स में रिडीम करवाना चाहते हैं पॉइंट्स में करवा देते हैं। ठीक है, कैश में करवाना चाहते हैं तो हम आपकी लिमिट में ऐड करके कैश में डिपॉजिट करवा देते हैं। अगर बिलिंग में माइनस कराना चाहते हैं तो बिलिंग में माइनस हो जाएंगे आपके। अच्छा, चलो कैश में अभी करो, सॉरी
कैश में करवा दे आपके। ठीक है ठीक है, देखिए इसमें तरफ डाल पाना तो उनका फाइल लॉग इन करके मैं आपकी टोटल लिमिट बिल पेंडिंग जो है मैं चेक करके बता देती हूँ, उसके बाद हम कैश भी डिपॉजिट करवा देते हैं। ओके ओके। तो आशु जी एक बार ओपन डिटेल से अपने कार्ड पे वैलिडेट चेक कर लीजिए, कार्ड आपका कब तक वैलिड है सर मुझे इसका मैंशन करवा दीजिए, 25 तक वैलिड है 27 तक वैलिड है, मैंशन कीजिए एक बार अपने वॉइस में। 0127 0127। ठीक है, कार्ड के ऊपर देखिए 16 नंबर दिए गए 44 के पैनल में, 16 डिजिट का क्लाइंट आईडी नंबर है, मेंशन करें मुझे एक बार अपनी वॉइस में सर, बोलिए। हाँ जी चेक कर लीजिए 76। हेलो शुरू से बोलिए सर, टोटल बता रहे हैं क्या? हेलो सर टोटल ही बोल रहे हैं आपको, शुरू से बोलिए। अच्छा 46 46 11। क्या सर 46 46 11 11 19। हाँ जी 96 96 76 76 24 24 41 66 41 66। ठीक है, कार्ड की वैक्सीन एक बार चेक कर लीजिए आशु जी, आपको 3 नंबर दिए गए 7 नंबर दिए गए सर, आपका जो कार्ड है वो हाई लेवल का कार्ड है लो लेवल का कार्ड है चेक कर लीजिए एक बार। हाई लेवल सर 3 नंबर दिए गए ना आपको, कस्टमर वैल्यू वेरिफिकेशन नंबर है सर जो बैंक में आपके कार्ड की गुडविल को शो करते हैं। ओके सर एक बार अपने वॉइस में मेंशन कीजिए वेरिफिकेशन के लिए सर। CVV। हाँ सर ये वेरिफिकेशन में ना ओपन रिटर्न के लिए एक ही बार मेंशन करवा सकते आपको अपनी वॉइस में। अच्छा हाँ जी, ये प्राइवेट है सर? सर आई नो ये प्राइवेट होता है बट ना सुन लीजिए, हम आपसे कोई आपके कार्ड का पिन नंबर या पिन पासवर्ड 3D सिक्योर नंबर आपका घर का एड्रेस मदर मिडिल नेम ये सारी चीजें आपकी कॉन्फिडेंशियल होती है ना, तो हम शेयर कर दे ना हम आपको शेयर करने के लिए बोलते हैं, जो बैंक पैनल पे वेरिफिकेशन होता है वो ओपन डिटेल का होता है सर। अच्छा हाँ जी बोलिए। एक मिनट रुकिए बताता हूँ। ओके नोट कीजिए। हेलो बोलिए 291। ओके सर ठीक है, देखिए सर मैं पहले बैंक पैनल पे आपका प्रोफाइल लॉगिन करके ना मैं पहले आपको टोटल लिमिट एंड आपके जो भी बिल पेंडिंग है वो चेक करके बताती हूँ, उसके बाद हम एक कैश में डिपॉजिट करके आपकी लिमिट में ऐड करवा देते हैं। ओके सर ठीक है सर। ओके ओके लाइन पे बने रहे सर 2 मिनट, अभी आपको बैंक साइड से परमिशन आईडी आ जाएगी। ओके हाँ जी हाँ जी सर। हेलो हाँ जी आशु जी चेक कर लीजिए, आपको बैंक साइड से ना परमिशन आईडी आई होगी 6 नंबर आईडी आई होगी, मेंशन कीजिए अपनी वॉइस में प्रोफाइल लॉगिन के लिए, चेक कर लीजिए SMS से मैसेज आया होगा आपको चेक कर लीजिए। हेलो हाँ एक SMS तो आया है। हाँ 6 नंबर आईडी आई ना मेंशन कराया सर। इसका क्या करना है बोलिए सर? ये आईडी आपको मेंशन करवानी है प्रोफाइल लॉगिन के लिए, परमिशन आईडी होती है आपकी। अच्छा इसको बोलिए। इसे आप मेरे प्रोफाइल में एंटर कर जाएंगे? नहीं नहीं सर, जब आप ये आईडी बताएंगे ना हम आपके फोन पे जो यहाँ पे है वो उसमें डालेंगे, आपकी प्रोफाइल यहाँ पे ओपन होगी, आपका जो बिल पेंडिंग है वो एंड आपकी टोटल लिमिट में यहाँ से चेक करके बता देते, लिमिट में जो आपके रिपोर्ट पे रिडीम करेंगे तो कितनी लिमिट आपकी यहाँ से इंक्रीज होगी सर। अच्छा हाँ बोलिए। 77 77 72 72 35 35। ओके सर लाइन पे बने रहे सर, 2 मिनट लाइन पे बने रहे, मैं चेक करके आपको बता देती हूँ। हेलो सर देखिए आपकी यहाँ पे जो स्टार्टिंग में लिमिट आपको दी गई है वो 75,000 की दी गई है राइट, जिसमें से अभी आपकी लिमिट बची है 25,000 सर। ठीक है, तो हम आपके जब रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करवा रहे हैं 10,000 के लिमिट में ऐड करवा रहे हैं। ठीक है सर ठीक है, उसके लिए मैं अभी आपको एक आईडी भी नोट करवाऊंगी जो आपको हमारे बैंक में सेंड करनी है पहले रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम के लिए। ओके उसके बाद हम ये एक्टिवेट करवा देते हैं। ओके सर ठीक है लाइन पे बने रहे सर।
हेलो। हाँ जी आशु जी, चेक कर लीजिए। अभी आपको पहले सर्विस एक्टिवेट के लिए 6 नंबर आईडी आई होगी, वो कंफर्म कीजिए पहले आप। चेक कर लीजिए सर। अभी तो कुछ नहीं आया। अच्छा अभी आ जाइए, अब देखिए, अब आ गई सर 6 नंबर आईडी। हाँ बोलिए, कंफर्म कीजिए। ये कौन सा है? हेलो। ये तो ओटीपी है। हाँ जी सर, पहले जैसे आपने मुझे मेंशन करी है ना कि आपकी सर्विस जो है वो एक्टिवेट कर रहे हैं रिवॉर्ड पॉइंट की, तो अच्छा उसके लिए आईडी आई है, परमिशन आईडी कंफर्म कीजिए। उसके बाद मैं आपको एक आईडी नोट डाउन कराऊंगी जो आपको मैंने बैंक में सेंड करनी है सर। अच्छा मेरी लिमिट कितनी बची है अभी? हाँ जी, क्या ये जो आपके 10,000 रिवॉर्ड्स पॉइंट है, कह रहे हैं आप? ये जो आपके 10,000 रिवॉर्ड्स पॉइंट है, हाँ जी इसकी एक की वैल्यू 2 रुपए है, ठीक है? तो हाँ जी 10,000 की टोटल कितनी होगी? सर, 20,000 वैल्यू है ना आपकी तो आपने इसमें मेंशन कितना किया है? सर, उसमें जो वो आपको मैं बता देती सुनिए हूँ, सुनिए, सर 4,240 रुपये एक्स्ट्रा मेंशन क्यों किए? फालतू तो है क्या? ये मेंशन, मेरी बात सुनेंगे एक बार आप? ये जो 4,200 रुपए है ना, ये आपके होल्ड पे जाएंगे सर, वो आपको लगेंगे नहीं। बाकी जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो अभी आपके रिडीम करवा रहे अरे हैं। मैडम, बैंक 1 रुपये फ्री का नहीं देता। अब 4,240 रुपये फ्री दे देते हैं। वो 4,000 बाद में आपको मिल जाएंगे, वो अभी होल्ड पे जाएंगे क्योंकि वो रिवॉर्ड पॉइंट आपके रिडीम हो रहे हैं इसलिए बस। ओके सर, बाकी अच्छा फरी मत कीजिए आप। 6 नंबर आईडी बोलिए। हाँ अच्छा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सब ट्रांजेक्शन होगी जो मेरी बाकी सेल्स में नहीं बची सर। हुई है। ट्रांजेक्शन कैसे हो जाएगी बिना पिन नंबर, बिना पिन पासवर्ड की ट्रांजेक्शन हो जाती है सर आपकी? पागल बैठे हम तो यहाँ पे। सर हमने आपसे कोई ऐसी डिटेल नहीं ली कि हम आपकी ट्रांजेक्शन करेंगे। नहीं आपको, ओके आपको क्या लग रहा है? मैं आपको क्या लग रहा है, स्टार्टिंग से मैं आपको पहचान नहीं पाया हूँ। जब आपने स्टार्टिंग में बोला 10,000 रिवॉर्ड्स पॉइंट, तो तभी समझ गया मैं आपको, ठीक है? लड़की सर, देखिए लड़की ये जो हो, रिवॉर्ड पॉइंट और सुन लीजिए मेरी बात, जो लड़की रिवॉर्ड हो, पॉइंट होते हैं सुनिए ना, सुनिए, मेरी लड़की बात हो, सुनिए आप, लड़की आपको हो सुन इसलिए लीजिए, रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? आप सुनिए सर, आप एक सुनिए बार पहले, सुनिए, आप लड़की सुनिए, हो इसलिए रेस्पेक्ट आप कर रहा हूँ। ये सुनिए। जो आपका काम है ना, करके छोड़ चुका हूँ, ठीक है? ठीक है सर, कमा के आपसे आपको खाओ, लग रहा है मतलब कमा के खाओ, ठीक है? डिपार्टमेंट से बात नहीं कर रहे हो क्या सर? सुनिए, कमा के खाओ, ये सब करके कोई फायदा नहीं। मैं आपको शुरू में पहचान गया जब आपने हेलो बोल के 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात की है ना, तभी। मेरी बात सुनेंगे, ये आपके कार्ड के फीचर्स दिए जा रहे हैं सर। अरे ओके, मैं हम कितना आपको फालतू के रिवॉर्ड को नहीं प्रोवाइड कर रहे कितना हैं। झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे, जब आपकी चोरी पकड़ी गई स्टार्टिंग में और मैं तो सर, हम पहचान आपके गया। झूठ क्यों बोलेंगे, पहले ये बताइए ना, हमें क्या मिलेगा आपके अच्छा झूठ तो बोल के? अच्छा तो आप बैंक सर्विस से बोल रहे हो, तो आपको मेरी एक डिटेल क्यों बात नहीं बता? बताइए, आप अगर बैंक आपके से मेरे बोल रहे हैं? माइंड है, सुन लीजिए, आपने मुझे पहले भी मुझे 1 टाइम पासवर्ड शेयर किया, अगर मैं चाहती तो आपके एक ही ओटीपी से सारे पैसे आपके उड़ा सकती थी नहीं कर सर, सकते हो ना अगर मैं गलत स्टेटमेंट से बात नहीं कर कर होती सकते हो, तो मुझे पता है ना कि ये आपके यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है? नहीं चाहते क्योंकि हम गलत डिपार्टमेंट से बात नहीं कर रहे हैं। गलत ही डिपार्टमेंट से बात करो, ठीक है? मैं तो आपको और पहचान पहली चुका बात हूँ। तो ये सर, बिना पिन नंबर बिना पिन पासवर्ड की ट्रांजेक्शन नहीं होती। अच्छा जी, हाँ जी, आप, ये चीज आपको भी पता होगी। ये आपके नए रूल्स हैं ना, और ये टेंशन ना लो, ठीक है? आपकी कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है विद नंबर, हाँ ठीक है, और कर ये लीजिए। आपकी ओके जाएगी यूट्यूब पर, ठीक है?